क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया का एक रुपया एक डॉलर के बराबर हो जाए तो क्या होगा? और जोमेटो कंपनी कहती है जब वो 50% ऑफ ईच ऑर्डर देती है तो उसे हर 3 महीने में 356 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, पर वो ऐसा क्यों करती है? इन सभी के जवाब मिलेंगे आपको इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखो। तो ऐसे ही चौंका देने वाले फैक्ट्स मिलेंगे आपको हमारे इसी चैनल पर, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 15, बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक की जो नली है वो गर्म हो जाती है, तो कितने राउंड फायर किए जाए कि बंदूक की नली गर्म होकर पिघल जाए? जैसे KGF चैप्टर 2 मूवी के ट्रेलर में आपने देखा होगा कि रॉकी भाई आते हैं और बड़ी सी मशीन गन को सेट करते हैं और धड़धड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। फायरिंग इतनी ज्यादा होती है कि बंदूक की नली रेड हॉट मतलब बहुत गर्म हो जाती है और रॉकी भाई उससे अपनी सिगरेट जलाते हैं। और इसी सीन की जब रियल में टेस्टिंग की गई तो कितनी गोली फायरिंग करने के बाद बंदूक की नली रेड हॉट गर्म हो जाती है, तो एक मशीन गन से फायरिंग स्टार्ट की गई और ये फायरिंग तब तक की गई जब तक बंदूक की नली मेल्ट नहीं हो गई। 700 राउंड फायर करने के बाद बंदूक की नली टूट गई और ये टेस्ट एक रिस्की टेस्ट भी था, क्योंकि नली टूटने के बाद गोलियां कोई भी डायरेक्शन में जा सकती थी। ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों क्या आपको पार्कर का मतलब मालूम है? नहीं। कौन होते हैं ये पार्कर और ये क्यों इतनी रिस्की जंप मारते हैं? मूवीज में आपने हीरो को अमेजिंगली दौड़ते हुए देखा होगा विलेन के पीछे, विलेन को पकड़ने के लिए इनक्रेडिबल जंप्स करते हुए देखा होगा। पार्कर ये एक टाइप का स्पोर्ट्स है, ये एक सुपर रिस्की गेम है। इसे करते हुए देखने पर ये काफी डेंजरस लगते हैं और ये गेम काफी तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। पूरी दुनिया में आजकल काफी जगहों पर पार्कर के वर्ल्ड लेवल कॉम्पिटिशन होते हैं और जिन्हें जीतने पर करोड़ों रुपए भी मिलते हैं। बहुत सारे देशों में ये गेम खेला जाता है, पर इंडिया में भी इस गेम में काफी इंटरेस्ट लिया जा रहा है और आजकल कई सारे पार्कर अपने वीडियो सोशल मीडिया पे डालते हैं। ये गेम डिमांड करता है जबरदस्त फिजिकल फिटनेस, स्ट्रेंथ और सबसे जरूरी जिगरा, क्योंकि ये गेम चुनौती देता है ग्रेविटी को और मजाक उड़ा देता है डर का। और क्या आपको पता है क्यों इस गेम को पार्कर कहा जाता है? फ्रेंच मिलिट्री में एक ऑब्स्टिकल कोर्स का नाम है पार्कर और इस कोर्स में काफी डिफिकल्ट जंप्स होते हैं, इसीलिए इस गेम का नाम पड़ा पार्कर। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों कोको कोला हर साल 30,000 करोड़ रुपए का एड्स चलाता है और बेचता है सिर्फ नॉर्मल सा कोल्ड ड्रिंक और हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट कमाता है, पर कैसे? ओह शिट, नो, कह दो कि ये झूठ है। नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स ये बात याद रखना कि ऑर्डिनरी ब्रांड्स आपको प्रोडक्ट बेचते हैं, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रांड्स आपको इमोशंस बेचते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि कोको कोला अपने एड्स पर कभी नहीं बताता कि वो कितना टेस्टी है, बस वो कोको कोला को हैप्पीनेस के साथ जोड़ देता है, बस वो कोको कोला को हैप्पीनेस के साथ जोड़ते हैं और बस ये दिखाते हैं कि इसे पी के आपका दिन मस्त बन जाएगा, आपका दिन अच्छा हो जाएगा। और जो ब्रांड लोगों को इमोशनली कनेक्ट कर लेता है वो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रहता है। जैसे मैगी ब्रांड का ही देख लो, मैगी एड्स में ये दिखाती है कि 2 मिनट में मैगी बनके तैयार और उसे जो खाता है वो हैप्पी हो जाता है। और हैप्पीनेस के पीछे सब भागते हैं। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। फैक्ट नंबर 12, ये वीडियो जिस फोन में आप देख रहे हो 90% चांस है कि वो एंड्रॉइड होगा और एंड्रॉइड जो है वो मेल है या फीमेल, मतलब आपका जो फोन है वो लड़का है या लड़की, क्या आपने कभी सोचा? पर एक्चुअल में जो एंड्रॉइड है ये मेल ह्यूमनॉइड रोबोट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एंड्रॉइड मेल है और फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट को जीनॉइड कहते हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अच्छा, मेल को एंड्रॉइड और फीमेल को जीनॉइड। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि कुछ लोगों का मानना है कि ईसा अंबानी की शादी में 700 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, पर ये जानकारी गलत है क्योंकि ईसा अंबानी का लहंगा ही सिर्फ 90 करोड़ रुपए का था और जो शादी में कार्ड बांटे गए थे उसमें से हर एक कार्ड सोने का था, जिसमें हर एक कार्ड की प्राइस 3 लाख रुपए थी और शादी में आने वाले मेहमानों के लिए मुकेश अंबानी ने प्राइवेट प्लेन्स और रोल्स रॉयल
BMW जैसी लग्जरी कार भेजी थी। शादी में देश विदेश से इतने प्लेन आए थे कि पूरे उदयपुर एयरपोर्ट पर प्लेन्स का जाम लग गया था। और शादी में खाना परोसने का काम वेटरों ने नहीं, बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स शाहरुख खान, आमिर खान और अमिताभ बच्चन जैसे लेजेंड्स ने किया था। और शादी में डांस करने के लिए दुनिया की सबसे महंगी डांसर, सिंगर, अमेरिका की रॉक स्टार बियॉन्से को बुलाया था। इसके 2 घंटे शो करने की कीमत 25 करोड़ रुपए होती है। इसी ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में इंडिया की यह कहकर मजाक उड़ाया था कि इंडिया जैसा गरीब देश उसकी महंगी पेमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। और अंबानी ने इसे पूरी रात डांस कराया था। फैक्ट नंबर 11। एक बार एक सर्वे हुआ था जब 100 बिलियनर्स से पूछा गया कि आपको 10 सेकंड मिले और इसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी कार खरीदनी है, तो आप कौन सी कार खरीदोगे। 100 में से 86 बिलियनर्स ने रोल्स रॉयल का नाम लिया। सवाल ये आता है कि इस कार में आखिर ऐसा क्या है। पहले एक किस्सा सुनो। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट रात में कार से अपने घर जा रहा था और उसी समय 3.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया और यह काफी तेज होता है। इस अर्थक्वेक में ऐसे इफेक्ट देखने मिलेंगे। और हैरानी की बात यह है कि उस जर्नलिस्ट को सुबह न्यूज में पता चला कि रात में जब वो ड्राइव कर रहा था तो अर्थक्वेक आया था। और इसीलिए रोल्स रॉयल को वन ऑफ द मोस्ट साइलेंट कार भी कहा जाता है। इस कार में 100 किलो से भी ज्यादा साउंड प्रूफ मटेरियल्स लगाए गए हैं। ये इतना अमेजिंग होता है कि कार में बैठे लोग अपनी घड़ी की टिक टिक आवाज को भी सुन सकते हैं। और कुछ कार्स ओनर्स ने ये भी कंप्लेंट की है कि उन्हें इस कार में बैठने पर नौसिया तक सफर करना पड़ जाता है। और ये नौसिया तब होता है जब कोई इंसान ज्यादा देर तक शांत जगह पर बैठे। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, जब ऑडी कंपनी इंडिया आई थी और उन्हें अपनी कार्स की एड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी थी, और ऑडी कार कंपनी ने ये सोचा कि बाकी सभी कार कंपनियों की तरह हम एड्स चलाए। और तब उन्होंने नोटिस किया कि इंडिया में ज्यादातर घरों में क्रिकेट काफी देखा जाता है। और उस टाइम इंडिया अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था ईयर 1983 को। और ऑडी कंपनी ने एनालाइज किया कि उस समय रवि शास्त्री की अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी, और यही देख के ऑडी कंपनी ने उन्हें अपनी एक कार गिफ्ट कर दी। और उस समय लोगों को ऑडी कंपनी के कार के बारे में आइडिया भी नहीं था, और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि रवि शास्त्री जैसे महान क्रिकेटर को अपनी कार गिफ्ट की, और ऑडी कंपनी का नाम जुड़ गया क्रिकेट से। ऑडी इंडिया में काफी बड़ा ब्रांड बन गया। ऑडी ने छोटी सी मार्केटिंग ट्रिक से बड़ी मार्केटिंग कर ली। फैक्ट नंबर 9। जोमेटो कंपनी कहती है कि जब हम कस्टमर्स को कभी कभी 50% ऑफ ईच ऑर्डर देते हैं, तब हर 3 महीने में हम खुद का 356 करोड़ रुपए का लॉस करवाते हैं। और पेटीएम कहती है कि जब जब हम कस्टमर्स को कैशबैक देते हैं, तब हम भी एक साल में खुद का 1704 करोड़ रुपए का लॉस कराते हैं। तो आप अब ये सोच रहे होंगे कि जब ये कंपनी अपना इतना लॉस कराती है तो ये अपने पैसे एड्स में क्यों नहीं लगा देते। जब पता है लॉस होने वाला है, तब जानबूझकर ये अपने पैसे क्यों गवाते हैं। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। इसका सिर्फ एक ही रीजन है, आदत लगाना। जैसे आप अपने फोन का रिचार्ज कहाँ से करवाते हो, और आप में से कई लोग पेटीएम में से भी करते होंगे। लोग आजकल अपने साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स का भी रिचार्ज पेटीएम से करते हैं कि कैशबैक मिलेगा। ऑनलाइन ही रिचार्ज करते हैं, और नेक्स्ट टाइम कैशबैक नहीं भी मिला तो ऑनलाइन रिचार्ज को ही कंटिन्यू करते हैं। और यही सेम तरीका है अमेजोन का। अमेजोन कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप दूसरे ऑनलाइन शॉपिंग एप्स पर कैसे पेमेंट करते हो। अगर आप अमेजोन पे शॉपिंग करते हो तो आप अमेजोन पे का यूज कर लो, इससे आपको अच्छा कैशबैक भी मिलेगा। अमेजोन ने भी स्टार्टिंग में अपना अच्छा खासा लॉस करवाया और कैशबैक नेक्स्ट टाइम एकदम कम कर दिया। सहलेंगे थोड़ा सा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब आप रिटेलर या किराने की शॉप से कुछ सामान खरीदते थे और पेमेंट के टाइम पे छुट्टे पैसे ना होने के कारण दुकानदार आपको टॉफियां पकड़ा देता था और आपको मजबूरी में वो टॉफियां लेनी पड़ती थी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सही बात है। पर पेटीएम ने इस प्रॉब्लम में अपना फायदा देख के एक अच्छा सा मार्केटिंग तरीका निकाला। पेटीएम ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी टॉफियां लॉन्च कर दी, जिसका नाम था पेटीएम स्वीट चेंज। जब रिटेलर के पास छुट्टे नहीं होते तब वो कस्टमर्स को ये पेटीएम टॉफी दे देता, और पेटीएम की टॉफियों पर एक कूपन कोड होता था जिससे कस्टमर पेटीएम बैंक में उतना ही पेमेंट एड कर लेता था। और इससे कस्टमर को भी फ्री टॉफियां मिल जाती थी और रिटेलर का भी फायदा हो जाता था, और पेटीएम को न्यू डाउनलोड्स भी मिल जाते थे, न्यू मेंबर भी मिल जाते थे। फैक्ट नंबर 7।
पब्लिक टॉयलेट के लिए एक सोच बन चुकी है कि पब्लिक टॉयलेट साफ नहीं होते, गंदे ही होते हैं और इसी वजह से लोग उसे यूज करने से टकराते हैं और देखते भी नहीं कि क्या पता साफ मिले। पर इसी चीज का सॉल्यूशन जापान ने निकाल लिया है। उन्होंने टोक्यो में कुछ टॉयलेट प्लांट किए हैं जो कि पूरे ट्रांसपेरेंट है और आप बाहर से खड़े खड़े देख सकते हो कि टॉयलेट साफ है या गंदा। अब आप बोलोगे कि कोई टॉयलेट करेगा कैसे अगर ट्रांसपेरेंट है तो। इसमें अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप टॉयलेट के अंदर जाके डोर को लॉक करोगे तो जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है वो टेक्नोलॉजी की वजह से नॉन ट्रांसपेरेंट ग्लास में बदल जाएगा और फिर आराम से आप टॉयलेट कर सकते हो। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। फैक्ट नंबर 6। एक दिन बड़े बड़े बिजनेसमैन एक सेमिनार में आए थे और उस सेमिनार में इंडिया के रतन टाटा भी मौजूद थे। तो उस सेमिनार के होस्ट ने बिजनेसमैन की मेंटेलिटी जानने के लिए कि इतने बड़े बड़े दिग्गज बिजनेसमैन कैसे सोचते हैं, तो होस्ट ने सभी से एक सवाल पूछा कि आपको BMW खरीदने में कितना समय लगेगा। तो किसी ने कहा 1 महीना, किसी ने कहा 1 दिन, तो किसी ने कहा सिर्फ 1 घंटा। और यही सेम सवाल जब रतन टाटा जी से पूछा गया तो कि सर आपको BMW खरीदने में कितना समय लगेगा, तो क्या आपको पता है रतन टाटा जी ने क्या जवाब दिया? आप सभी को जरूर सुनना चाहिए। रतन टाटा जी ने पहले थोड़ा सोचा, फिर उन्होंने कहा कि मुझे BMW खरीदने में कम से कम 5-6 साल लग जाएंगे। सवाल पूछने वाला हैरान हो गया। उसने कहा कि सर आप इतने बड़े आदमी हो, आप रतन टाटा हो, फिर भी आपको 5-6 साल लगेंगे। तो रतन टाटा ने जवाब दिया कि जी हाँ, क्योंकि BMW भी तो इतनी बड़ी कंपनी है, वो इतनी छोटी कंपनी भी नहीं जिसे जल्दी खरीदा जा सके। यहाँ पर सभी बिजनेसमैन BMW कार खरीदने की बात सोच रहे थे, वहाँ रतन टाटा जी कंपनी खरीदने की सोच रहे थे। तो रतन टाटा जी की इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 5। क्या आप दुनिया के सबसे लकी इंसान, सबसे भाग्यशाली इंसान से मिलना चाहोगे जो ट्रेन एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश और कार ब्लास्ट और ट्रक से टक्कर के बाद भी बच गया? मौत को छू के टक से वापस आ सकता। बिल्कुल यही काम किया उसने। क्रोएशियन के रहने वाले फ्रेंच सेलेक को दुनिया का सबसे लकी इंसान माना जाता है। ये आदमी अब तक ट्रेन एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश, बस के साथ नदी में गिरना और तो और 2 बार कार ब्लास्ट में बचना, ट्रक की टक्कर और बस की टक्कर से हर बार बच गया। और तो और 2003 में इसे 1 मिलियन की लॉटरी लगी थी। दुनिया का सबसे लकी इंसान फ्रेंच सेलेक। जिंदगी हो तो ऐसी हो। फैक्ट नंबर 4। ऑस्ट्रेलिया में एक बर्ड पाई जाती है, लॉयर बर्ड। ये दुनिया की सबसे सुंदर बर्ड्स में से एक है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है और ये बर्ड नकल करने में काफी माहिर है, जो दूसरे बर्ड्स के गाने की आवाज भी बड़ी अच्छी तरीके से निकाल लेती है और कुत्तों के भौंकने की आवाज और कार के हॉर्न की आवाज की भी नकल कर लेती है। फैक्ट नंबर 3। अफ्रीका में एक स्नेक पाया जाता है, बूमस्लैंग स्नेक। वैसे सांप के काटने से जहर की वजह से मौतें तो होती है, खून का जम जाना और भी कई कारणों से, अलग अलग सांपों के जहर से अलग अलग तरीके से मौत होती है। पर ये जो बूमस्लैंग स्नेक है, इसके काटने से बॉडी के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं और शरीर के सभी छेदों से खून निकलने लगता है और कुछ समय बाद इंसान की मौत हो जाती है और इसीलिए इसका नाम है बूमस्लैंग स्नेक। अच्छा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अमेरिका में एक बंदा है जिसका नाम है रिचर्ड्स। लोगों का मानना है कि इसका पेट लोहे का बना हुआ है। रिचर्ड्स का पेट इतना मजबूत था कि ये अपने पेट पर पंच मारने का कंपटीशन रखता था और एक के बाद एक लोग आते थे और इसके पेट पर मुक्का मारते थे और मुक्का मारते मारते सब थक जाते थे, पर इसे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता था और कई बार ये लोगों को अपने पेट के ऊपर कूदने को बोलता था 2 फुट की ऊंचाई से और फिर भी इसे कुछ नहीं होता था। और हद तो तब पार हुई जब ये बंदा एक बड़ी सी तोप के सामने खड़ा हो गया और 50 किलो का तोप का गोला अपने पेट पर चलवा दिया। दोस्तों, इस तोप से मोटी दीवारें तोड़ी जाती है पर रिचर्ड सिर्फ गिर जाता है और फिर से खड़े हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो दोस्तों, इसे सुपर पावर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अरे भाई, क्या बताऊं मैं? सॉरी। नंबर 1 फैक्ट देखने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले।
फैक्ट नंबर वन, अगर इंडिया का एक रुपया एक डॉलर के बराबर हो जाए तो क्या होगा? इससे देश के लिए अच्छा भी है और बुरा भी। तो पहले अच्छी चीजों पे बात करते हैं। अगर डॉलर और रुपीस इक्वल हो जाए तो इंडिया की जनता के पास जितना रुपया है उसका वैल्यू 60 गुना बढ़ जाएगा और चीजें सस्ती हो जाएगी। मतलब जो आईफोन आपको 1 लाख रुपए में मिलता था वो आपको बस 650 रुपए में मिलेगा और इंडिया अमीर कंट्रीज में आ जाएगा। ये तो अच्छी बात है, पर अभी बात करते हैं होने वाले नुकसानों की। इंडिया में चीजें इंपोर्ट तो होगी पर सेम जगह से एक्सपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि इंडिया का सामान बाकी देशों के लिए काफी महंगा हो जाएगा और इंडिया में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इंडिया से चली जाएगी, क्योंकि इंडिया से उन्हें प्रॉफिट नहीं होगा, उनका ज्यादातर लॉस ही होगा और इंडिया में काफी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये फैक्ट आपको कैसा लगा?